झारखंड कांग्रेस के तीन विधायक शनिवार को हावड़ा जिले के पंचला में भारी मात्रा में नकदी के साथ पकड़े गए थे। वहीं अब बंगाल पुलिस के तीनों विधायकों को रिहा कर दिया है। बताया जा रहा है कि सभी विधायकों ने पैसे का पूरा हिसाब दे दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों विधायक पश्चिम बंगाल में गाड़ी खरीदने के लिए गए थे। तीनों विधायक पश्चिम बंगाल से झारखंड के लिए निकल चुके हैं। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की गाड़ी से ये नकदी मिली थी। उनसे साथ कोलेबेरा विधायक नमन विक्सल, कोंगाड़ी खिजरे विधायक राजेश कश्यप और ड्राइवर समेत एक अन्य को हिरासत में लिया गया था। सभी से पूछताछ भी हुई, बरामद नकदी की गिनती कराई गई थी। बताया जाता है कि खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। विधायकों से पुलिस और सीआईडी देर रात तक पूछताछ की। बताया जाता है कि विधायक समेत पांच लोग भारी मात्रा में नकदी के साथ झारखंड लौट रहे थे। ये सभी एक गाड़ी पर सवार थे। शनिवार देर शाम इनकी गाड़ी को पाचला थाना के रानीहाटी मोड़ के पास रोका गया। गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी में भारी मात्रा में नकदी मिली। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।